Hi, this is Nishika and welcome to my channel. So, जैसे आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा हम नायका का एक छोटा सा हॉल करने वाले हैं. I have this biggest box जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं अपने. दो चार बॉक्स और आए थे बट मैंने सबको एक ही में डाल दिया है. सो या एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज एंड क्या गाइस, ये रैंडमली मैं कोई भी प्रोडक्ट उठाने वाली हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट कि समझ रहे हैं आप कि मैं एक चीज लेके बैठी हूँ. सो इट्स ऑल द थिंग्स विच कम्स अंडर स्किन केयर. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दिस प्लम बॉडी लविंग शावर जेल. ये काफी अच्छा शावर जेल है गाइस. आई मीन आई जेन्युइनली डू लव प्लम्स के कई सारी प्रोडक्ट, उनके शावर जेल्स तो काफी अच्छे हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉट टू ऑफ देम. या सो द सेकेंड वन इज दिस. एंड आई मीन मैं इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं इन्हीं के शावर जेल्स यूज करती हूँ. मैं काफ़ी सारे ट्राई कर चुकी हूँ एंड यू नो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शावर जेल. दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस टाइम. और ये सेल पे भी थे. द सेकेंड प्रोडक्ट इज फ्रॉम दिस बाथ एंड बॉडी वर्क आइटम विच इज अ बॉडी लोशन. एंड ये काफी अच्छा स्मेल कर रहा है. मैंने इसको स्मेल करके देखा. दिस इज माई फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस सो आई डोंट नो. लेट मी यूज इट एंड देन आई विल गिव यू सम रिव्यू. एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज फ्रॉम डव. ये उनका एक्सफोलिएटर है एंड बॉडी एक्सफोलिएटर है विच इज वेरी गुड. ये इतना अच्छा स्मेल करता है गाइस, मेरा तो मन करता है मैं खा जाऊँ बट नो डोंट डू दिस. एंड ये काफ़ी अच्छा है. इसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी है मेरे इन ग्रोन हेयर्स के लिए. मेरे को काफ़ी है स्ट्रॉबेरी लेग्स का इशू. क्यों लग रहा है कि जैसे ये एक नायका हॉल कम और माई बेदिंग केयर रेंज ज़्यादा लग रही है. सो द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट. दिस इज देयर पाइनएप्पल कोव विद नियॉन पपाया. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. That's some heavy ass name, but ये काफ़ी अच्छा है. मैंने okay, so guys listen, तो मैंने दो चार महीने पहले उनकी एक सेल लगी थी तो उसमें मैंने दो प्रोडक्ट मंगाए थे उनके. आई मीन दो ये ही बॉडी लोशंस मंगवाए थे उनसे एंड दे वर सो अमेजिंग गाइज. आई मीन उनके मतलब ऐसा होता ना कि लाइक या दे आर बूजी प्रोडक्ट्स आई नो बट वो जेन्युइनली काफ़ी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग थे. आई मीन मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ पर ऐसे भी काफ़ी सर्दी बढ़ती है. दैट्स वाई मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मेरे को लाइक 24 आवर्स का हाइड्रेशन तो दे ही दे. जो वो क्लेम करते हैं वो हुआ. आई मीन इट वॉज वेरी हाइड्रेटिंग. एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. सो दिस इज द सनस्क्रीन आई गॉट फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जैसॉन. एंड आई मीन मैंने काफ़ी सारी सनस्क्रीन ट्राई करी हैं. बिलीव देन एक्वालॉजिका. आई हैव ट्राइड मल्टीपल सनस्क्रीन. लाइक आई प्रिफर दिस वन. मैंने ये रिसेंटली ट्राई करी थी बट ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन. और अगर आपको इसका छोटा सा मिनी रिव्यू चाहिए तो मैं बना सकती हूँ शॉर्ट्स में. और मैंने शॉर्ट्स से याद है एक और मिनी रिव्यू करा है आपके लिए. और प्लीज़ जाके उसे भी देखिए, लाइक करिए. एंड देन मैं और ऐसे छोटे छोटे रिव्यूज बनाते रहूंगी आपके लिए. सो द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज फ्रॉम बी ब्लंट. सो मैं अपने बाल ना हेयर स्टाइल आई मीन आई डू यूज हीट प्रोडक्ट्स इन माय हेयर. सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे फ्रॉम बी ब्लंट एंड देन हेयर सेटिंग स्प्रे. ओके, हेयर सेटिंग स्प्रे. सो या आई मीन मैंने इसको ट्राई करा है बी ब्लंट वाले को. दैट्स व्हाई आई हैव गॉट यू नो दिस वन. आई थिंक दे आर फाइन. मैंने इनको एक दो बार यूज कर लिया है ऐसे. ये मेरे पास दो दिन पहले आ गए थे. आई थिंक इट्स फाइन. मैं इसका तो कुछ नहीं कह सकती लाइक बट ये काफ़ी अच्छा है इनका सेटिंग स्प्रे. इसने काफ़ी देर तक मेरे बाल होल्ड करके रखे थे. सो या दैट्स गाइस, ये मेरा छोटा सा हॉल था. अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले. एंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे दे रखी है. यू कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम देयर. एंड ऐसे भी नायका की पिंक फ्राइडे सेल आ रही है. एंड इफ यू वांट मी टू डू सम रिकमेंडेशंस आई कैन ऑल्सो मेक दैट वीडियो. बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको.